दोस्तों स्वागत करता हूँ सबका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आपको इस वीडियो में WhatsApp के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। जैसे कि WhatsApp की सिक्योरिटी, आप जो WhatsApp पे मैसेजेस करते हैं और एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं तो उसमें आपकी सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आपके डेटा आपके मोबाइल से चुरा सकता है। और वो किस तरीके से चुरा सकता है शायद आपको पता भी नहीं होगा, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कोई भी आपके मोबाइल से WhatsApp का डेटा किस तरह से चुरा सकता है या फिर आपके मोबाइल के WhatsApp को आपके नंबर को कैसे हैक कर सकता है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगा। इन फ्यूचर आपको मेरे नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि एक नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद में दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल के वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मोबाइल पे WhatsApp तो ज़रूर होगा, आप आजकल सभी यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे कि देखा है WhatsApp ओपन करने के बाद में कुछ सेटिंग्स मुझे मिलती है, जैसे ये मैंने अपना WhatsApp ओपन कर लिया है तो मैं अपने WhatsApp के सेटिंग मुझे मिलता है WhatsApp वेब। अगर WhatsApp वेब में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो WhatsApp वेब का जो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा वो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि मुझे मैं कुछ स्कैन कर सकता हूँ। अगर मैं ओके गॉट इट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो कैमरा है वो एक्सेस हो जाएगा और ये जो है कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है कि हमारा QR कोड स्कैन करके मैं WhatsApp है वो किसी भी PC में चला सकता हूँ। तो दोस्तों कोई आपसे मोबाइल लेके ये चीज़ कर सकता है, जैसे कि आपका मोबाइल कोई भी ले सकता है और वो अपने मोबाइल पे स्कैन कर सकता है या फिर अपने घर के PC या लैपटॉप पे स्कैन कर लेगा और आपका जो मोबाइल के जो भी मैसेजेस है वो उसके PC लैपटॉप में या फिर मोबाइल पे दिखने लग जाएंगे। तो आप वो किस तरह से चेक करेंगे कि आपका मोबाइल हैक हुआ है या नहीं, ये भी दोस्तों एकदम सिंपल है। आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको सेटिंग मेनू पे क्लिक करना है और WhatsApp वेब पे क्लिक करना है। अगर WhatsApp वेब पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है तो आपका मोबाइल अभी तक हैक नहीं हुआ है या फिर उसने किसी को स्कैन नहीं किया हुआ है। दोस्तों देखिए मैं अभी मेरे दूसरे मोबाइल पे WhatsApp वेब जो है वो ओपन करने वाला हूँ और आपको स्कैन करके दिखाने वाला हूँ कि ये स्कैन होने के बाद में आपको क्या दिखने वाला है उसमें। दोस्तों मैंने अपने दूसरे मोबाइल पे जो है वो WhatsApp वेब ओपन कर लिया है और उसका कोड जो है मैं इस अपने मोबाइल से स्कैन करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक कोड है, मैं वो स्कैन करने वाला हूँ और मेरे जो WhatsApp मैसेजेस है अब उस मोबाइल पे भी दिखने लगेंगे जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी आपका मोबाइल लेके इस तरीके से स्कैन कर सकता है और बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने आपका फ़ोन स्कैन कर लिया है और वो आपके मैसेजेस देख रहा है। तो आप देखेंगे कैसी या फिर आप पता कैसे करेंगे कि आपका मोबाइल किसी ने स्कैन किया हुआ है या फिर हैक किया हुआ है। दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, मेनू पे जाना है और WhatsApp वेब पे जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करंटली एक्टिव लॉग्ड इन डिवाइसेस में दिख रहा है आपको करंटली एक्टिव लिनक्स। तो ये जो है मैंने अभी जो स्कैन किया है उस डिवाइसेस का मुझे नाम दिखा रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप क्या करेंगे, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस करेंगे और लॉग आउट हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा अभी मैंने लॉग आउट कर दिया है, तो जिस मोबाइल का जो कोड मैंने अभी स्कैन किया था उससे भी मैं लॉग आउट हो गया हूँ। मतलब अगर आपका कोड अगर आपके मोबाइल से किसी ने अगर वो कोड स्कैन कर लिया होगा उसके मोबाइल का तो वो भी लॉग आउट हो जाएगा और उसको आपके मैसेजेस जो है वो दिखने बंद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोज़ आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में अगर जब अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ WhatsApp के बारे में सिक्योरिटी। और भी आने वाले दिनों में मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगा जिसमें आपको और भी नई जानकारी दूंगा, तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।